व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में प्लास्टिक वायर का सेवन कन यूज करके लंच बैग बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। इस वीडियो सिर्फ 15 मिनट्स में मैं बताई हूँ, इस वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। इस लंच बैग सेवन कन नॉट यूज करके मैं बनाई हूँ, उसीलिए इसका बेस बनाने पे थोड़ा चेंजेस जरूर कर लेना है। इस बैग बनाने का सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में मैं क्लियरली बताई हूँ। इसके बाद सेवन कन नॉट बैग फास्ट बनाने का तरीका भी मैं क्लियरली बताई हूँ। इसके बाद इस बैग का हैंडल 3 वायर यूज करके मैं बनाई हूँ, उसका ट्यूटोरियल भी इस वीडियो में मैं बताई हूँ, उसीलिए इस वीडियो को जरूर फुल देख लीजिए। वीडियो को आप स्किप करें तो इम्पोर्टेंट टिप्स आपको मिस हो सकता है, उसीलिए फुल वीडियो जरूर देख लीजिए। आपको अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक वायर चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर चैट करके आप ले सकते हैं। आपको प्लास्टिक वायर बैग बनाने का मटेरियल चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी हूँ, उस लिंक को क्लिक करके आप ले सकते हैं। इस बैग का लेंथ 9 इंचेस है, विड्थ 4.5 इंचेस है, हाइट 8 इंचेस है। अच्छा बिग साइज में इस बैग मिला है। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबाए, तभी मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। इस प्लास्टिक वायर लंच बैग बनाने के लिए मैं 2 रोल प्लास्टिक वायर यूज करी हूँ। ये डिस्को वायर है। इस वायर का सेंटर में रेड कलर में लाइंस मिला है, उसीलिए इसका नाम डिस्को वायर है। सेंटर में इस तरह कट करे बाद अंदर का वायर को लेकर मेजरमेंट लेना है। 1 फीट स्केल लेकर 4 टाइम इस तरह रैप करे बाद 6 इंचेस भी लेकर कट कर लेना है। एक वायर कट करे बाद सेम इस वायर का मेजरमेंट लेकर नेक्स्ट वायर कट कर लेना है। अब देखिए मैं सारे वायर्स भी कट करी हूँ। व्हाइट कलर में 24 वायर्स कट करी हूँ, रेड कलर में 24 वायर्स कट करी हूँ। एक वायर पीस का लेंथ 8.5 फीट है। आप इन स्टेप में मेजरमेंट ले तो 2.5 मीटर मेजर करे बाद कट कर लीजिए। इसके बाद इसमें नॉट बनाना है, पहले क्रॉस नॉट ही बनाना है। सेवन कन नॉट का पहले क्रॉस नॉट ही बनाना है। इस तरह 2 वायर सेम कलर वायर्स लेकर नॉट बनाकर रख लीजिए। इसमें 4 वायर्स भी इक्वल है क्या एक बार चेक कर लीजिए, इक्वल नहीं रहा तो थोड़ा लूज करके एडजस्ट कर लीजिए। मैं सारे वायर्स में भी नॉट बनाई हूँ। रेड कलर में 12 नॉट्स बनाई हूँ, व्हाइट कलर में 12 नॉट्स बनाई हूँ। इसके बाद बेस को ज्वाइन कर लेना है। पहले व्हाइट कलर में 1 नॉट को लेना है, बाद में रेड कलर नॉट को लेकर इस तरह साइड पर रख लेना है। देखिए ऊपर एक एक्सेप मिला है, नीचे एक एक्सेप मिला है। इसमें सेवन का नॉट बनाकर ज्वाइन कर लेना है। देखिए सेवन का नॉट बनाने का तरीका अब बताती हूँ। सेवन का नॉट बनाने का पहले राइट साइड का वायर को लेकर इस तरह रिवर्स में फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह पहले फोल्ड करे बाद लेफ्ट साइड का व्हाइट वायर को लेकर इस तरह एस शेप में रख लेना है। इसके बाद लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर को इसके अंदर रख लेना है। बाद में राइट साइड का उल्टी वायर को लेकर इस लूप के अंदर इंसर्ट कर लेना है। बाद में इस नॉट को अच्छा टाइट कर लेना है। देखिए ये है सेवन का नॉट। सेम इसी तरह नीचे भी नॉट बनाना है। इस नॉट्स को टर्न करे बाद नीचे भी राइट साइड वायर को लेकर उल्टा फोल्ड कर लेना है। बाद में लेफ्ट साइड वायर को लेकर ये शेप में रखे बाद इस लूप के अंदर उल्टी वायर को इंसर्ट कर लेना है। बाद में नॉट को अच्छा टाइट कर लेना है। अब देखिए 2 नॉट्स भी ज्वाइन हो चुका है। इसके बाद रेड कलर नॉट को ज्वाइन कर लेना है। देखिए रेड कलर नॉट को लेकर इस तरह साइड पर रख लेना है। यहाँ भी 2 एक्सेप मिला है। यहाँ 2 प्लेसेस में भी सेवन का नॉट बनाकर इस नॉट्स को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह 2 रेड कलर नॉट 2 व्हाइट कलर नॉट इसी पैटर्न में ज्वाइन कर लेना है। फर्स्ट और लास्ट में 1 व्हाइट कलर नॉट मिलेगा। देखिए इस तरह पैटर्न में सारे नॉट्स को भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं सारे नॉट्स भी ज्वाइन करे बाद बताती हूँ। अब देखिए मैं सारे नॉट्स भी ज्वाइन करी हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट में 1 व्हाइट नॉट ज्वाइन करी हूँ, बीच में 2 नॉट्स ज्वाइन करी हूँ। टोटल इसमें 24 नॉट्स मिला है। अब देखिए सेंटर लाइन में क्रॉस नॉट में मैं बनाई हूँ, ऊपर और नीचे सेवन का नॉट में मैं बनाई हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्रॉस नॉट में बनाना है।
ऊपर और नीचे क्रॉस नॉट में बनाना है, बाद में नेक्स्ट लाइन सेवन कर नॉट में बनाना है। इस तरह एक लाइन सेवन कर नॉट, एक लाइन क्रॉस नॉट, इस तरह इस बेस को कंप्लीट कर लेना है। सारे एक शेप का प्लेसेस में नॉट बनाना है। इस तरह नॉट बनाकर इस बेस को कंप्लीट कर लीजिए। सेंटर लाइन के ऊपर और नीचे इक्वल लाइंस बनाइए। अब देखिए मैं सारे लाइंस भी बनाई हूँ। इस बेस में टोटल 15 लाइंस में बनाई हूँ। सेंटर लाइन के ऊपर 7 लाइंस बनाई हूँ, नीचे 7 लाइंस बनाई हूँ। देखिए इस तरह दो साइड में भी वी शेप मिला है। इसके बाद इस बेस को रेक्टेंगल शेप को चेंज कर लेना है। रेक्टेंगल शेप को चेंज करने के लिए इस तरह 6 लाइंस निकालना है। इस तरह नॉट्स को ओपन कर लेना है। सेम इसी तरह दो साइड में भी कर लेना है। दो साइड में भी ओपन करे बाद बेस इस तरह शेप मिला है। इसके बाद कॉर्नर टर्न कर लेना है। कॉर्नर टर्न करने का पहले यहाँ का लास्ट लाइन सेवन का नॉट में मैं बनाई हूँ, नीचे भी सेवन का नॉट में मैं बनाई हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्रॉस नॉट आप बनाए तो सेवन का नॉट का शेप नहीं मिलेगा, उसी लिए यहाँ थोड़ा चेंजेस कर लेना है। यहाँ का लाइन भी सेवन का नॉट में ही बनाना है, तब ही परफेक्ट सेवन का नॉट का शेप ऊपर भी मिलेगा। उसी लिए नेक्स्ट लाइन भी सेवन का नॉट में बनाना है, सिर्फ ऊपर और नीचे बनाना है, दो साइड में भी नहीं बनाना है। इस तरह ऊपर और नीचे सेवन का नॉट यूज करके लाइंस बनाइए। इसके बाद ही कॉर्नर टर्न कर लेना है। यहाँ का होल थोड़ा चेंजेस में मिला है, एक लाइन में ऐसा मिला है, नेक्स्ट लाइन में परफेक्ट मिलेगा। इसके बाद कॉर्नर टर्न कर लेना है। फोर कॉर्नर्स में भी देखिए दो व्हाइट कलर नॉट्स है, उसके ऊपर एक नॉट बनाकर कॉर्नर टर्न कर लेना है। देखिए दो व्हाइट कलर वायर्स है, उसमें नॉट बनाना है, क्रॉस नॉट ही बनाना है। फोर कॉर्नर्स में भी क्रॉस नॉट बनाकर कॉर्नर टर्न कर लेना है। यहाँ थ्री व्हाइट कलर नॉट्स मिला है, सेम इसी तरह फोर कॉर्नर्स में भी मिलेगा। इस तरह कॉर्नर टर्न करे बाद कोई भी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट लाइन क्रॉस नॉट में बनाना है। उसके बाद सेवन कर नॉट में एक लाइन बनाना है। इस तरह एक लाइन सेवन कर नॉट, एक लाइन क्रॉस नॉट, इस तरह लाइंस बनाना है। सेम इसी तरह कंटिन्यूसली लाइंस बनाकर इस बैग को कंप्लीट कर लेना है। दो साइड में भी कोई भी चेंजेस करने का जरूरी नहीं है, कंटिन्यूसली नॉट बनाते जाना है। नेक्स्ट लाइन में डिजाइन परफेक्ट मिलेगा। सेवन कर नॉट का बैग फास्ट बनाने के लिए एक टिप्स मैं बताने वाली हूँ। आप इस तरह भी बना सकते हैं, एक लाइन क्रॉस नॉट, एक लाइन सेवन कर नॉट, इस मेथड में भी आप बना सकते हैं, क्रॉस मेथड में भी आप बना सकते हैं। क्रॉस मेथड बनाने का तरीका आप बताती हूँ। यहाँ देखिए इसमें मैं क्रॉस में बनाई हूँ। यहाँ नीचे 5 नॉट्स है, उसके ऊपर 4 नॉट्स, उसके बाद 3, 2, 1, इस तरह क्रॉस में मैं बनाई हूँ। इस तरह आप बनाए तो आप बैग फास्ट बना सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे 7 का नॉट है, उसके ऊपर क्रॉस नॉट बनाना है। इसके बाद उसके ऊपर 7 का नॉट बनाना है। इस तरह एक नॉट 7 का नॉट, एक नॉट क्रॉस नॉट चेंज करते जाना है, क्रॉस में बनाना है। मैं इस तरह ही बैग बना सकते हूँ। इस मेथड में आप बनाए बैग फास्ट बना सकते हैं। इस मेथड को आप ट्राई करके मुझे बताइए। इस तरह इस बैग को कंप्लीट कीजिए।
मैथ बैग को कंप्लीट करी हूँ। टोटल 26 लाइंस बनाई हूँ। यहाँ से क्रॉस में काउंट करके देखे तो टोटल 26 लाइंस में बनाई हूँ। एक लाइन को फोल्ड करके मैं इंसर्ट करी हूँ। यहाँ थर्ड लाइन में इंसर्ट करी हूँ। क्रॉस में सारे वॉयस भी इंसर्ट करी हूँ। इसके बाद इस बैग को हैंडल बनाना है। बैग को हैंडल बनाने के लिए व्हाइट कलर में 3 वायर्स कट करी हूँ। एक वायर पे इसका लेंथ 5.5 फीट है। इस तरह यहाँ का व्हाइट कलर नॉट के अंदर 3 वायर्स को भी इंसर्ट करके नेक्स्ट होल में बाहर निकलना है। अब 6 वायर्स मिला है। 6 वायर्स को भी इक्वल रख लेना है। बाद में अरेंज कर लेना है। बीच का 2 वायर्स को इस तरह एक शेप में रख लेना है। बाद में लेफ्ट साइड वायर को लेकर इसके ऊपर रख लेना है। राइट साइड वायर को लेकर नीचे और ऊपर रख लेना है। बाद में लेफ्ट साइड वायर को लेकर नीचे और ऊपर रख लेना है। राइट साइड वायर को लेकर ऊपर और नीचे और ऊपर इस तरह पहले अरेंज कर लेना है। इसके बाद लेफ्ट साइड वायर को पीछे लेकर राइट साइड का 3 वायर्स में लास्ट वायर छोड़कर सेकंड वायर के ऊपर फर्स्ट वायर का नीचे इस तरह रख के बाद फिर भी लेफ्ट साइड में ही रख लेना है। सेम इसी तरह राइट साइड का वायर को पीछे लेकर लेफ्ट साइड का 3 वायर्स में लास्ट वायर छोड़कर सेकंड वायर का ऊपर फर्स्ट वायर का नीचे इस तरह रख के बाद फिर भी राइट साइड में ही रख लेना है। इस तरह नॉट्स बनाना है। इसके बाद इस हैंडल को बैग के साथ अटैच कर लेना है। उसी लिए लेफ्ट साइड वायर को लेकर बैग के अंदर इंसर्ट करके बाहर निकलना है। बाहर निकलने बाद पहले बनाए जैसा राइट साइड का एक वायर छोड़कर सेकंड वायर के ऊपर फर्स्ट वायर का नीचे इस तरह रख के बाद फिर भी लेफ्ट साइड में ही रख लेना है। इस तरह कंटिन्यूसली हैंडल बनाते जाना है। सारे वॉयस में भी हैंडल बनाना है। बाद में अंदर इंसर्ट कर लेना है। यहाँ देखिए मैं यहाँ तक बनाई हूँ। इसके बाद यहाँ भी इस हैंडल को बैग के साथ अटैच करी हूँ। इसके बाद 2 नॉट्स बनाना है। बाद में इस हैंडल को अंदर इंसर्ट कर लेना है। सेम लाइन में इंसर्ट कर लेना है। नॉट का 2 साइड में 3 वॉयस को इंसर्ट करे बाद अंदर नॉट डालकर क्रॉस में सारे वॉयस को भी इंसर्ट कर लेना है। बाद में एक्स्ट्रा वॉयस को कट कर लेना है। यहाँ देखिए मैं हैंडल बनाई हूँ। इस बैग फिनिश हो गया। इसमें कोई डाउट रहा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।